कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाज के हर वर्ग की सरकार है। हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के भाई और बहनों के लिए आयोग बना हुआ है, पिछड़ा वर्ग आयोग बना हुआ है, उसको भी संवैधानिक आयोग का दर्जा हमने दिया है। लेकिन सामान्य वर्ग के भी गरीब भाई और बहन, बेटे बेटियां, उनकी समस्याओं का समाधान करना ये सरकार का कर्तव्य है। और इसलिए हमने तय किया कि सामान्य वर्ग के जो हमारे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, 10% आरक्षण उनको मिल रहा है, लेकिन और भी कई कदम उठाने की जरूरत है और इसके लिए हमने आयोग गठित करने का फैसला किया है। देश देख रहा है और मेरा अपना भरोसा और विश्वास है कि हमारा देश कभी भी हिंसा बर्दाश्त नहीं करता और प्राणों से प्यारा तिरंगा है हमें, उसका अपमान तो कोई भी सहन नहीं करेगा।